बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और इंदौर के बीजेपी कार्यालय को बकायदा लोकसभा चुनाव के मुख्य कार्यालय की तरह यहां पर सजाया दिया गया है। बता दें कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ चुके हैं। मैं आपको मुख्य कार्यालय की एक झलक दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हो, ये मुख्य कार्यालय को पूरी तरीके से यहां पर भगवामय कर दिया गया है। तकरीबन अलग अलग तरह से यहां पर संभागों जो मालवा निमाड़ की जो लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर भी बैठकें यहाँ पर की जा सकती है, उसी को लेकर यहाँ पर तैयारी की जा सकती है। ये आप देख सकते हो, एक बार फिर मोदी सरकार मुख्य चुनाव कार्यालय इंदौर लोकसभा 2024। और हमारे साथ लोकसभा चुनाव के संयोजक गोपाल जी गोयल भी मौजूद है। हम बात करते हैं सब किस तरह से तैयारी कर रही है। कल 5 बजे लोकसभा इंदौर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव इस कार्यालय के उद्घाटन में रहेंगे। उसके अलावा सभी जनप्रतिनिधि और भाजपा के सारे पदाधिकारी नगर से लेकर मंडल से लेकर वार्ड से लेकर और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को और मंडल मोर्चे के पदाधिकारी भी इसमें 8 विधानसभा से रहने वाले हैं। लगभग 8,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है और कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो राजमाता सिंधिया जी की जो प्रतिमा है वहाँ से माल्यार्पण कर और यहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान जी का पूजन कर इस कार्यालय के उद्घाटन का प्रारंभ होगा। भाई साहब, सुझाव पेटी भी यहाँ पर रखी है, जो बीजेपी का घोषणा पत्र या विजन बनेगा उसको लेकर सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। कितनी पेटियाँ रखी जाएगी? हर वार्ड में एक सुझाव पेटी रखी जाएगी और ये सुझाव पेटी में लगभग 250 लोगों के कार्यकर्ताओं के या समाज के अपने सुझाव उस सुझाव पेटी में आएंगे और 15 तारीख को ये सुझाव पेटी वापिस मुख्य कार्यालय में आएगी और यहाँ पर एकत्रित कर इनको प्रदेश भेजा जाएगा। वैसे पहली बार इस तरह से सुझाव लिए जा रहे हैं, उसके बाद विजन बनाया जाएगा। सुझाव लेने से तात्पर्य ये है कि वास्तव में जो जनता की समस्या है, कार्यकर्ताओं की बात है, उसी के आधार पर ऊपर घोषणा पत्र तैयार होगा, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या घोषणा पत्र में से वंचित न रहे और निश्चित ही आने वाले समय में सारी समस्याओं का निराकरण मोदी जी के नेतृत्व में हल हो, ऐसा मोदी जी की भी मंशा है और भारतीय जनता पार्टी की भी मंशा है। भाई साहब, ये इंदौर लोकसभा सीटों के लिए इतनी सुझाव पेटियां मंगवाई गई है कि अन्य लोकसभा सीट के लिए भी? निश्चित ही जब यहाँ पर हर वार्ड में सुझाव पेटी जा रही है तो निश्चित ही पूरे देश भर में इसी प्रकार की व्यवस्था बनी होगी और पूरे देश भर से सुझाव आएंगे ऐसा लगता है। भाई साहब, कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से सुझाव पेटी और तमाम तरह की तैयारी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कर ली, लेकिन कांग्रेस की कुछ दिख नहीं रही। कांग्रेस के बारे में हम क्या बोले, हम तो हमारी तैयारी में लगे हैं और हमारी तैयारियों का ही विचार कर रहे हैं। ये उनका विषय, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये उनका विषय, ये हमारा विषय नहीं। ये आप देख सकते हो, नगर संयोजक लोकसभा चुनाव संयोजक गोपाल जी गोयल का साफ तौर पर कहना है कि हमने हमारी तैयारी काफ़ी कुछ कर दी है और कई तरह से सुझाव भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में उतरा जाएगा। इंदौर से टीवी9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।